हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लो एल्केन के बारे में। इसके पहले हम आपको एल्केन के बारे में बता चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लो एल्केन के बारे में। साइक्लो एल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन एटम ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या होता है, कार्बन एटम जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है, कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम क्या कहेंगे, साइक्लो एल्केन कहते हैं। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कहेंगे साइक्लो पैराफिन, और इसी को हम एलीसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करता है। इसको हम साइक्लोपैराफीन के नाम से भी जानते हैं, एलीसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम ज्वाइंट बाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए रिंग। दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोपैराफीन एंड एली साइक्लिक कंपाउंड। द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन CnH2n। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब इसको देखेंगे, इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। ये जो होता है सिमिलर होता है एल्केन का। एल्केन का नामकरण हम आपको करवा चुके हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये सिमिलर होता है एल्केन का, बस इसके प्रीफिक्स के रूप में हम साइक्लो को ऐड करते हैं। अगर ये देखिए, तीन कार्बन का होता था एल्केन, स्टेट चैन में होता था तीन कार्बन का, तो उसको हम प्रोपेन कहते थे। ऐसे ही चार कार्बन का स्टेट चैन होता था, उसको हम ब्यूटेन कहते थे। पाँच कार्बन का स्टेट चैन होता है, एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, तो उसको हम क्या कहते थे, पेंटेन। लेकिन अगर ये रिंग के फॉर्म में है तो उसको हम क्या करेंगे, उसके आगे प्रीफिक्स के रूप में क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, उसके बाद प्रोपेन लिख देंगे। वैसे ही चार कार्बन का है रिंग तो उसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, पांच कार्बन का रिंग है तो उसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। ये इसका सिमिलर होता है एल्केन के नामनक्लेचर के, सिमिलर ही इसका भी नामनक्लेचर होता है, बस प्रीफिक्स के रूप में हम क्या लगाएंगे, साइक्लो को ऐड करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस देखेंगे फ्री एंड मेथड। इसमें क्या होता है, टर्मिनल डाई हैलाइड्स का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, सोडियम या जिंक के साथ करवाते हैं, तो क्या मिलता है हमको, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुन लीजिए, टर्मिनल डाई हैलाइड का रिएक्शन अगर हम सोडियम या जिंक के साथ करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइक्लो एल्केन मिलेगा, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए टर्मिनल डाई हैलाइड, इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि एक एंड पे भी हैलाइड है, दूसरे एंड पे भी हैलाइड है, इसीलिए इसको हम कहेंगे टर्मिनल डाई हैलाइड। और अगर इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो ये आएगा 1,3-dibromopropane, क्या आएगा, 1,3-dibromopropane, अगर इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो। अगर इसका हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, सोडियम के साथ करवा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से दो सोडियम है तो यहाँ से जो BR लगा हुआ है उसको लेके निकल जाएगा और ये रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया और ये क्या, 2NaBr बाहर निकल गया। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है, टर्मिनल डाइहैलाइड्स ही है। अगर इसका हम IUPAC नामकरण करेंगे तो इसको हम कहेंगे 1,4-dibromobutane, और इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, जिंक के साथ अगर करवा रहे हैं तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, दोनों BR निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा, ZnBr2 बना लेगा और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सेकेंड प्रोसेस देख लेते हैं, सेकेंड प्रोसेस देखेंगे डिकमैन मेथड के द्वारा हम कैसे बनाएंगे साइक्लो एल्केन को, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, सोडियम के साथ करवाएंगे। सोडियम के साथ करवाने पे क्या मिलता है, बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब इसका हम फर्दर क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो क्या,
साइक्लिक कीटोन बनेगा। साइक्लिक तो उनको कीटोन हम क्या का करवाएंगे, इसका हीट करवा देते हैं, तो इसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और इसके बाद क्या करवाएंगे, क्लीमेंसर रिडक्शन करवा देते हैं, तो क्या बनता है, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम बीटा कीटो एस्टर इज फॉर्म्ड विच फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑन क्लीमेंसन रिडक्शन गिव्स साइक्लो एल्केन्स। अब इसको रिएक्शन के रूप में हम समझ लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे है एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवा रहे हैं, तो क्या निकल रहा है यहाँ से, C2H5OH जो है वो निकल रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकल रहा है, OC2H5 निकल रहा है, और यहाँ से H निकल रहा है, एसिडिक एच यहाँ से निकल रहा है, और ये जो कार्बन है इससे अटैच हो रहा है। देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, एक मिनट, यहाँ से देखिए निकल रहा है OC2H5 और यहाँ से H निकलेगा। जब H निकलेगा इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला बॉन्ड इससे बनेगा, तो ये फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। इसको क्या कहेंगे, बीटा कीटो एस्टर। क्या निकल रहा है, C2H5OH निकल रहा है। अब देखेंगे हम, अब इसका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने पे भी क्या निकल रहा है, C2H5OH, C2H5OH कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकला C2H5, यहाँ से निकला C2H5, और यहाँ से O और H, यहाँ से O और H अटैच हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, साइक्लोकीटो एसिड। साइक्लोकीटो एसिड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या निकल रहा है, CO2 गैस बाहर निकल रहा है। CO2 गैस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा CO2 गैस, ये वाला CO2 गैस निकल रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, साइक्लिक पेंटेनोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम क्या करवाएंगे, इसका इसका करवा रहे हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन करवा रहे हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन कैसे होता है, जिंक अमलगम लेते हैं और उसके प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका रिएक्शन करवा देंगे, तो यहाँ पे जो CO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के रूप में, और क्या बना, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो गया। इस मेथड के द्वारा क्या बनता है, साइक्लो एल्किन का फॉर्मेशन होता है। अब थर्ड प्रोसेस देखेंगे, थर्ड मेथड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा कैसे हम बनाएंगे साइक्लो एल्किन, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव का अगर हम कैटलिटिक रिडक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव का अगर हम कैटलिटिक रिडक्शन करवाते हैं, तो साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। सिक्स मेंबर्ड साइक्लो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई द कैटलिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पे बेंजीन का रिडक्शन निकिल के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है, हीट भी है और प्रेशर भी प्रेजेंट है। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये सब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन जो यहाँ पे लिए है ना, 3H2 जो लिए हैं, 6 हाइड्रोजन इसके हर एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखेंगे फोर्थ वाला, फोर्थ देखेंगे, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा कैसे साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये देखेंगे। इसमें क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करते हैं, तो क्या मिलता है, साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और साइक्लिक कीटोन का फर्दर हम क्लीमेंसर रिडक्शन करवा देते हैं, तो क्या बनता है, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फिर से देखेंगे, अगर इसको हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करेंगे, तो साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और इसका अगर हम फर्दर क्लीमेंसर रिडक्शन करवाते हैं, तो साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड, साइक्लिक कीटोन आर फॉर्म्ड। द फर्दर ऑन क्लीमेंसर रिडक्शन साइक्लिक कीटोन कन्वर्टेड इंटू साइक्लो एल्केन। अब इसको हम रिएक्शन से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कैल्शियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, कैल्शियम
साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल रहा है, सी ए सी ओ थ्री कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये निकला और यहाँ से ये वाला ओ, ये सब निकलेगा। इसके निकलने के बाद ये वाला जो है इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो जाएगा, क्या बना आपका, यहाँ पे देखिए साइक्लो कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। साइक्लो कीटोन का हम क्या करवा रहे हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लेते क्या है, जिंक अमलगम लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, एच सी एल के प्रेजेंस में। करवाने पे क्या होता है, यहाँ पे जो सी ओ ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी एच टू ग्रुप में। सी ओ ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी एच टू ग्रुप में, तो क्या बना आपका, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले सकते हैं।